आपका जो पाठ है, पाठ क्या है? पाठ एक है आपका संसाधन। आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, आप अपने दैनिक जीवन में घर और आसपास पानी, रिक्शा, साइकिल, बस, पुस्तक, कुर्सी, घरों में बिजली, पंखा आदि अवश्य देखते होंगे, देखते हैं या नहीं देखते हैं? तो क्या आपने कभी सोचा कि ये सब क्या हैं, ये सब चीजें क्या हैं? कभी सोचा आप लोगों ने ये सब चीजें किस चीज में आती हैं? ये सब चीजें जो है संसाधन में आती हैं। किस में आती हैं? संसाधन। ठीक है, तो आइए इसको हम जानते हैं। आपको प्यास लगने पर आप जो पीते हैं वो क्या है? पानी। घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली, इलेक्ट्रिक बिजली है ना। स्कूल से घर पहुंचने के लिए जो उपयोग में लाई जाती है वो साइकिल, रिक्शा या बस। अध्ययन के लिए पाठ्यपुस्तक, ठीक। बैठने के लिए कुर्सी और मेज, ये सभी क्या हैं? ये सभी संसाधन हैं। इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आप द्वारा किया गया है। आप लोग इसका उपयोग किए हैं नहीं किए हैं? ठीक, अर्थात इन सभी वस्तुओं में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। ये सभी जो वस्तुएं हैं ये आपकी आवश्यकता को जो है पूरा करने की क्षमता रखती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो वह क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती। क्या कहा जा रहा है कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि संसाधन होते नहीं है बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीक के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। संसाधन होते नहीं है मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो संसाधन है, ठीक, बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप सभी वस्तुएं क्या है उपलब्ध होती है और उनको जो है मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीक के प्रयोग से अपने लिए उपयोगी बनाता है। जैसे धरती पर कोयला लाखों सालों से उपलब्ध था, ऐसा नहीं है कि कोयला आज आया है धरती पर, लेकिन कोयले की जानकारी और कोयले का उपयोग हमने जो है कब शुरू किया? बहुत पहले से हम लोग यूज नहीं करते आ रहे हैं। जब हमको इस बात की जानकारी हुई, हमारे ज्ञान में ये चीज आई कि इससे हम लोग क्या क्या उपयोग में चीजें ला सकते हैं, तो हमने जो है कोयले को खोदना शुरू किया। लेकिन उससे पहले हम कोयले के बारे में जानते थे? नहीं, हम उसके उपयोग को भी नहीं जानते थे। ठीक, धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा गया जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज की। कोयला तो बहुत सालों से था लेकिन मनुष्य के संसाधन के रूप में उसका प्रयोग कब शुरू हुआ? जब मनुष्य ने अपने ज्ञान के बल पर, ठीक है, आग उत्पन्न करने की क्षमता को खोज निकाला। ठीक, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। कुछ संसाधनों का जो है आर्थिक, अर्थ का मतलब होता है पैसा, धन, तो आर्थिक मूल्य होता है कुछ का और कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे धातुओं, रसायनों, फसलों आदि का आर्थिक मूल्य होता है। जैसे आप लोहा खरीदने गए, सोना खरीदने गए, चांदी खरीदने गए, तो उसके लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, उसको आपको कुछ अर्थ, अर्थ का मतलब धन, आपको जो है देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जबकि पर्वती भाग या मरुस्थली भाग के क्षेत्र में सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करते हैं। वैसे आप पहाड़ों पर चले जाते हैं, आपको अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं। पहाड़ देखने में बहुत अच्छा लगता है, वहां पर बर्फ जमी होती है, हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, नदियां निकलती रहती हैं, जंगली जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, चिड़िया रहती हैं, रहते हैं कि नहीं रहते, तो वो सब चीजें आपको देखने को बहुत ही प्रिय लगती हैं। इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ठीक, क्या आप जो है ये सब पैसे से खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं ये सब चीज? नहीं खरीदा जा सकता, किंतु ये भी क्या है? संसाधन है। सभी क्या है? ये सब चीजें क्या है? संसाधन है। जिसका आप आर्थिक मूल्य दे सकते हैं वो भी संसाधन है, जिसका आप आर्थिक मूल्य नहीं दे रहे हैं वो भी आपका संसाधन ही है। कुछ संसाधनों का, ठीक, उपयोग हम जिस प्रकार से करते हैं उसी के आधार पर उस संसाधनों को जो है विभाजित भी किया जाता है। जैसे संसाधनों के प्रकार में हम देख सकते हैं
कि सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से संसाधन है? प्राकृतिक है, मानव निर्मित है और मानव संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब इनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, इनके बारे में हम लोग जान लेंगे। ठीक, जैसे ये चार्ट आपको बनाकर दिया गया है संसाधन का। इसमें प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या है? जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मृदा, मृदा जिसको आप क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। तो ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ये प्रकृति के उपहार के स्वरूप हमको प्रदान किए गए हैं, किए गए हैं कि नहीं। और मानव निर्मित संसाधन में क्या क्या चीजें आएंगी? जैसे घर हो गया आपका, घर कौन बनाया? मनुष्य ने बनाया। सड़क व पुल किसने बनाया? विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध एवं कारखाने, ये सब चीजें मनुष्य ने बनाया है, लेकिन प्राकृतिक जो आपके संसाधन है उसका उपयोग करते हुए बनाया है। जैसे घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? जल चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा घर बनाने के लिए, ईंट चाहिए होगा। ईंट किससे बनती है? मिट्टी से, कोयले से पकती है। ठीक, और उसके बाद सरिये चाहिए होगा, ये कहां से मिलता है? प्रकृति से ही आपको मिलेगा। लकड़ी भी लगती है, आप जब लेंटरिंग करते हैं, आपका घर जब ढलता है तो लकड़ी लगती है, वो सब क्या है? आपका प्राकृतिक संसाधन है। तो जो मानव निर्मित संसाधन है वो जो है प्रकृति से ही मनुष्य प्राप्त करके अपने हिसाब से उसको जो है संरचना को देता है, उसको संरचना प्रदान करता है। तो वो चीजें क्या हो जाती हैं? मानव निर्मित संसाधन हो जाते हैं। और उसके बाद हमारा तीसरा संसाधन है वो मानव संसाधन। मानव संसाधन से मतलब मनुष्य भी एक संसाधन है। जैसे आपको अस्पताल बनाना हुआ तो क्या जो है सारा सामान आ जाएगा तो अस्पताल बन के तैयार हो जाएगा बिना आदमी के काम किए? आदमी को काम करना पड़ेगा तभी तो वो तैयार होगा, होगा कि नहीं होगा? आप लोग सहमत हैं इस बात से ना? ठीक, तो इसी प्रकार से मानव संसाधन सभी चीजों के लिए उपयोगी होता है जो कि मानव निर्मित होती हैं। ठीक, और इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। पहला आपका प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन।